हेलो दोस्तों, मैं रूपा। आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले आलू परवल की सब्जी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं दोस्तों। और मसाला में क्या क्या लगेगा आगे मैं बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, आलू और परवल को इस तरह से काट लिए हैं, आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर बैठा दी है, इसमें दे देते हैं सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब पटल को हम फ्राई कर लेंगे। अब इसी में आलू को भी दे देंगे। हमारे दोनों चीजों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर देते हैं। तो आलू और पटल हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब तैयार करेंगे मसाला को। तो देखिए, आलू पटल को हम निकाल लिए। अब इसी तेल में देंगे थोड़ा सा जीरा, दो ठो काटे हुए प्याज। मैंने लिए हैं मसाले में, मैंने कच्चा मिर्चा, आधा लहसुन और थोड़ा सा जीरा लिए थे। ये सारी चीज़ें को अच्छी तरह से पीस लिए रखिए। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें हम पीसे मसाले दे देते हैं। अब इसमें देंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में देखिए, मैंने लिया हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा लिया और काला मिर्च लिया थोड़ा सा और धनिया पाउडर, जीरा। चीज़ें को भी अच्छी तरह से भूंज लेंगे। अब इसमें काटे हुए टमाटर को दे देते हैं। तो मसाले को तेल छोड़ने तक भूंज लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, मसाले को अच्छी तरह से भून लिए और फ्राई किया आलू और पटल को इसमें ऐड करेंगे। ठीक से एक दो मिनट के अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को पटल के साथ। तो मसाले के साथ पटल को भी अच्छी तरह से भून लिए। अब इसमें दे देंगे थोड़ा सा पानी। तो देखिए, पानी दे दिए, इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला दे देते हैं। तो ये हमारा सब्जी देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें धनिया पत्ते दे देते हैं कटे हुए।